नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, हमने जो नई सीरीज शुरू की है सी प्रोग्रामिंग की, उसके बेसिक प्रोग्रामिंग में हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था वो आप ये देख पा रहे होंगे फैक्टोरियल का। आज इसी तरीके से हम आपको बताएंगे टेबल का प्रोग्राम, अगर आपको बनाना है कोई भी टेबल जो लिखी जाती है मैथमेटिकल में, उस मैथमेटिक्स को मशीन का फॉर्म देने के लिए एक कोड जो है सी लैंग्वेज में, हम यहाँ से आज समझेंगे। आप जो भी बिगनर्स हैं वो उसको लिखेंगे। देखिए, मैं ये जी अपनी वेबसाइट से इस कोड को उठा रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो है इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, अपन चलते हैं। ये कोड ब्लॉक जो हमारा आईडी है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ ये प्रोग्राम को। अब इसको ध्यान से समझेंगे। आप देख रहे होंगे ये हेडर फाइल, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, और ये आपको बेसिकली लगभग लगभग सी के सारे ही प्रोग्रामों में लगानी पड़ेगी। ये मेन फंक्शन है, प्रीडिफाइन फंक्शन है, और ये जो है सी लैंग्वेज का जो कुछ भी है इसी के अंदर रन होता है। अब क्योंकि हमें टेबल बनानी है तो सेंस ये बनता है कि टेबल की करना क्या होगा। आमतौर से गणित में 10 तक टेबल का नियम है। अब ये क्यों है ये तो नहीं पता, आप 20 तक भी छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लूप चल रहा है उसको हम 20 कर देंगे। तो दोस्तों, एक तो हमें चाहिए एन नंबर, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि सामने वाला किस नंबर की टेबल चाहता है। आई एक फॉर लूप के अंदर जो है बार बार रिटेन होने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है। एंटर कराया, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने हमें नंबर दिया 12, इसके बाद स्कैन करके हमने उसको एन के अंदर स्टोर कर लिया। एक लूप चला और लूप चल रहा है दोस्तों 10 तक बराबर तक, और ये बार बार इंक्रीमेंट होगा। प्रिंट एफ में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, परसेंटेज डी जो है इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए होती हैं, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से लिखा ही आएगा कि मान लीजिए मैंने 12 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 12 इंटू आई, तो 12 इंटू पहली बार में आई की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट टाइम जब ये प्लस प्लस होगा तो ये 2 हो जाएगी, तो यहाँ तो n की वैल्यू सेम रहनी है 12 इंटू ये हो जाएगा 2, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा इसका इंटू 24। इस तरीके से ये लूप 10 टाइम्स चलेगा दोस्तों। मैं आपको देखिए ये इसको यहाँ पर चला कर दिखा देता हूँ। हम इसका नाम दे देते हैं टेबल, हमने इसको नाम दे दिया है, ये सेव कर दिया है। आइए हम इसको रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये कंसोल विंडो ओपन हो गई है। मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 12, ये मैंने 12 नंबर दे दिया है। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर लाकर समझा देता हूँ। 12 आया, ये एन के अंदर स्कैन के रूप में हमने इसको जो है स्टोर कर लिया। आई जो है 10 बार चला है, ये देखिए 10 बार चल रहा है, और ये क्यों चला है, क्योंकि 10 तक टेबल हमें बनानी है। प्लस प्लस ये जो है आई की वैल्यू को प्लस प्लस किया जाएगा, क्योंकि ये 10 बार चलाया जाना है, और ये लिख दिया गया है। और मैं जो मेन चीज़ आपको दिखा दूँ, आप देख रहे होंगे परसेंटेज डी टू परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ये तो ठीक है, ये वेरिएबल्स लिखे जाने हैं और ये है मेन हमारी कैलकुलेशन। अगर ये नहीं होती तो फिर दोस्तों ये प्रोग्राम नहीं चलता। एन इन टू आई, तो एन तो है 12, आई आपका हर बार यहाँ से उठकर आ रहा है, तो ये जो है हर बार एन टू होगा और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम स्टोर कुछ भी नहीं करा रहे हैं, तो रिटर्न हमने जीरो कर दिया है, ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको ये कंसोल पे जो आप 10 देख रहे हैं, मान लीजिए ये इस लूप को अगर आपको और गहराई से समझना है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये 15 तक चलेगा, ये जो है दोस्तों 15 तक चलेगा। और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब हम भी पढ़ते थे तो हमें यही समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा लिखा क्यों होता है। ये आप जो सेमी कॉलन देख रहे होंगे, ये टर्मिनेशन लाइन होती है, अगर आपने ये नहीं लगाई है तो आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से हमें जो है टर्मिनेशन लाइन्स यहाँ पर दे रखी हैं। और अब मैं जो है इसको यहाँ से सेव करने के बाद जो है मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो अब हमारा टेबल 15 तक ये इस तरीके से कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर 12 पुट करूँगा। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, अब ये जो है हमारा 15 तक प्रोग्राम चल गया है, ये ध्यान से देखिए आपको। तो ये इस तरीके से आप आसानी से किसी भी टेबल को अब यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई दूसरा नंबर पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पर 8 दे देता हूँ, तो अब ये जो है
8 की टेबल यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा टेबल का एक प्रोग्राम था सी लैंग्वेज में। आप जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी है, और ये बहुत ही 12-13 लाइन का कोड है। इसको कॉपी नहीं कीजिएगा अगर आप शुरू से सीख रहे हैं, इसको कहीं पे नोट कीजिए और फिर लाइन बाय लाइन लिखिए और एक एक लाइन का मतलब समझिए दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो कंपाइलर है ये एक एक लाइन को यहाँ पर रन करके चेक करके देखता है। और आप इसके एरर जो है, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि इसमें ह्यूमन एरर खुद से कैसे किए जाते हैं, ताकि हम उन एरर्स को पहचान सकें कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो किस कारण से है। और जो एरर आता है अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि ये एरर किस कंडीशन के लिए आया है, ऐसा क्या मिसिंग है, कॉमा मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है, कोट्स मिसिंग है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये एक आसान सा दोस्तों टेबल का प्रोग्राम था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।